हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे हॉकी और वॉलीबॉल से संबंधित एमसीक्यू सीरीज, जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1971। अगला ऑप्शन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की स्थापना कब हुई? तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1924 में। अगला ऑप्शन है, IHF की स्थापना कब हुई? तो 1925 में का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, जालंधर के किस स्थान से सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाते हैं? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संसारपुर। अगला ऑप्शन है, भारत ने हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट को कितनी बार जीता? तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक बार जीता, 1975 में। अगला ऑप्शन है, हॉकी का खेल कितनी मिनट का होता है? तो 60 मिनट, यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, हॉकी में किस समय मैच के दौरान खिलाड़ी नहीं बदल सकते? घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेनाल्टी कॉर्नर। अगला ऑप्शन है, हॉकी में गोल करने का जो क्षेत्र निर्धारित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शूटिंग सर्कल। अगला ऑप्शन है, हॉकी मैदान की लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। हॉकी बॉल का भार कितना होता है? तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 156 से 163 ग्राम, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न निम्न में किसको हॉकी में दिया गया? का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनराज पिल्ले। पेनाल्टी कॉर्नर के समय डिफेंडर टीम के कितने खिलाड़ी के अंदर रह सकते हैं? तो 5 खिलाड़ी, यहां पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्री हिट लेते समय डिफेंडर खिलाड़ी को कम से कम कितनी दूरी पर खड़े रहना चाहिए? तो यहां पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 यार्ड। अगला ऑप्शन है, पेनाल्टी स्पॉट का ब्यास कितना होता है? तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 155 मिलीमीटर। अगला ऑप्शन है, हॉकी के मैदान में जब खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मध्य रेखा सेंटर लाइन से कितनी दूरी तक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है? तो 3 मीटर तक, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, हॉकी का भार कितना होता है? तो 623 से 737 ग्राम, का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हॉकी गोल पोस्ट नेट के खानों का माप अधिकतम कितनी होती है? तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 mm। अगला ऑप्शन है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए निम्न में किस कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो हिट का,
यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पेनाल्टी शूट आउट के दौरान जब अटैकर बाल लेकर चलता है तो कितने समय के दौरान उसको गोल करना होता है, तो 8 सेकेंड, यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हॉकी में गेंद जमीन से छूते हुए जाती तथा बाल खिलाड़ी की हॉकी से चिपके हुए तथा घसीटते हुए गति करे तो इसे हम क्या कहते हैं, तो पुश कहते हैं, यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 2012 का द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी में किसको दिया गया, तो हरेंद्र सिंह, यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है खेलते समय यदि गेंद पैर पर लग जाती है तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग होगा, तो कैरिड का, यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हॉकी स्टिक को जांच के लिए जिस रिंग से गुजारा जाता है वह कितने इंच की होती है, तो 2 इंच की का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रथम महिला विश्व कप हॉकी विजेता देश कौन सा है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हॉलैंड 1974। अगला ऑप्शन है हॉकी खेल को किस देश में संटी नाम से जाना जाता है, तो स्कॉटलैंड, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ब्लैक हिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1894। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया, तो 1894, यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1886 में, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का श्रेय बेल्जियम की किस नागरिक को जाता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंक। अगला ऑप्शन है प्रथम महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम का कौन सा स्थान था, तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ। अगला ऑप्शन है सन 1981 ईस्वी में क्योटो में प्रथम एशियाई महिला हॉकी की प्रतियोगिता किसने जीती, तो अपने भारत ने, यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है यदि स्टो टर्फ नीले रंग का है तो बाल किस रंग की होनी चाहिए, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीले रंग की। अगला ऑप्शन है हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है तथा इसकी स्थापना कब हुई, तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेडी गंटन हॉकी क्लब, जो स्थापना 1871 में हुई थी, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी जो 2 साल में एक बार दी जाती है 2012 में किसको मिली, तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर हॉकी एसोसिएशन। अगला ऑप्शन है हॉकी विश्व कप सबसे अधिक किस देश ने जीता, तो पाकिस्तान, यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारत ने हॉकी विश्व कप मात्र एक बार जीता, वह किस सन में जीता, तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1975।
अगला ऑप्शन है महिलाओं का 7वां जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जो जर्मनी के मोसो गालवाक में 27 जुलाई से 4 अगस्त 2013 में संपन्न हुआ, इसका विजेता कौन सा देश था। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला ऑप्शन है महिलाओं के 7वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा। तो कांस्य पदक, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है महिलाओं के 7वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी। तो रानी रामपाल का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित सीरीज देखते हैं। FIBB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई। तो 1922 न्यूयॉर्क, यहां पर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल की भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई। तो 1936 लाहौर, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1947 में, यहां पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1951, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो 1964 टोक्यो जापान, यहां पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल कितने घंटे का होता है। तो कोई समय सीमा नहीं होती है, यहां पर घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल की FIBB में डी का क्या अर्थ होता है। तो का, यहां पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य अवकाश का समय क्या होता है। तो 2 मिनट का, यहां पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई क्या होती है। तो 12.5 मीटर, यहां पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है किसने वॉलीबॉल का नाम बदलकर मिंटोनेंट से वॉलीबॉल रखा था। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ए.टी. हास स्टेड। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की दूरी क्या होती है। तो 1 मीटर, यहां पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ए पलानी स्वामी, यहां पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1961 में। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल में खेल के दौरान रोटेशन होता है। तो क्लॉकवाइज का ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फर्स्ट रेफरी के सीटी बजाने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है अन्यथा फाउल माना जाएगा। तो 8 सेकेंड, यहां पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो 2.24 मीटर, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई व चौड़ाई क्या होती है। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9.5 मीटर से 1 मीटर, यानी खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है
वॉलीबॉल खेल में बाल की परिधि कितनी होती है? तो 65 से 67 सेंटीमीटर। यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा का दाब कितना होता है? तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.30 से 0.325 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल खेल में नेट के खाने मेज की लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है? तो 10×10 सेंटीमीटर। यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड प्रयोग होते हैं? तो 2 कार्ड। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.55 मीटर। अगला ऑप्शन है, एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है? तो 2। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल शब्द में बॉली का क्या अर्थ होता है? तो लगातार हवा में उछालना। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, FIVB के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H. रुबेन एकेस्टा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1958। अगला ऑप्शन है, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला कब हुई? तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1952 मास्को। अगला ऑप्शन है, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष कब हुई? तो का ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 1949 पराग्वे। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का नाम बताओ। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A. रमन्ना राव। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो हरा कार्ड। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल मैच कितने अंकों का होता है? घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 और 15 अंक। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो पोल लाइन। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है, सर्विस जोन वॉलीबॉल से संबंधित है, साइड लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो कोनिका कप। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिवांति राव। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।